आपके साथ हूं छंता यादव। देश भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कहीं लोगों ने डीजे पर तो कहीं पर लोगों ने ढोल नगाड़ों पर होली का जश्न मनाया। लेकिन बिहार के जमुई में झाझा नगर परिषद से वार्ड नंबर 18 में लोकगीतों पर होली का जश्न कुछ ऐसे मनाया गया कि हर किसी का इन गीतों पर थिरकने का मन कर गया। भोजपुरी लोकगीतों पर होली के जश्न ने समा बांध दिया। संस्कृति से बंधे लोकगीतों के गायकों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी वैद्य श्याम देव सिंह मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने शानदार मौके पर जमुई जिले के झाझा नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के 13 कलाकारों को सम्मानित कर होली के जश्न में चार चांद लगा दिया। और इतना ही नहीं, इस मौके पर शॉल और झाल देकर सम्मानित किया। वैद्य श्याम देव सिंह के द्वारा सभी को सम्मानित किया गया और सम्मानित का कार्यक्रम भी वैद्य श्याम देव सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। वैद्य श्याम देव सिंह ने बातचीत में बताया, समय मौजूदा हालातों को देखते हुए हर जगह श्लील गीतों की भरमार है। इस पर उन्होंने कहा, वह कई सालों से देख रहे हैं कि लोगों में होली के पर्व को लेकर काफी उत्साह रहता है। लोग उमंग के साथ इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज भी लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जुड़कर पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और संस्कृति के तौर तरीकों से मनाते हैं। इसलिए उन सभी गायकों का सम्मान किया जाता है जो होली के पर्व पर बड़े ही शानदार गीतों के साथ लोगों का मनोरंजन करते हैं। बता दें, वैद्य श्याम देव सिंह एक सामाजिक सेवा करता है जो अक्सर लोगों की सेवा करते हुए देखे जाते हैं। वह हमेशा गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं और इतना ही नहीं, वक्त आने पर कई और तरीकों से भी गरीबों की मदद करते हैं। झाझा नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 में सांस्कृतिक से जुड़कर हर साल पर्व मनाया जाता है, इसलिए वहां के कलाकारों को सम्मानित किया गया है। कलाकार को सम्मानित करने का काम किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग बराबर घूर घूर करके देखें कि कहां होली ढंग का होता है। तो इस बार नहीं बल्कि हर एक साल हमको लगा कि जो 8 नंबर वार्ड यहाँ का है, सबसे अच्छा होली खेला भक्तिमय, जिसको कहता है भक्तिमय, और भाई बहन यहाँ तक कि माँ सब साथ होकर के खेला, वैसा होली अब इधर कहीं हम लोग जाते हैं तो कहीं नहीं मिलता। कोई डीजे पर थिरक रहा है, इतना गंदा गंदा अश्लील अश्लील गाना का भोजपुरी बना दिया है जो कि हम लोग बैठ करके माए बाप एक जगह नहीं देख सकते। और 8 नंबर वार्ड में इस तरह का होली मनाया गया, इस तरह के मनाया जाता है, जो कि हमें अच्छा लगा और जा कर के सभी कलाकार को सम्मानित किया। और कुछ झाल भी हम वहाँ जा कर करके खुशी के तौर पर दिए। ऐसे कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस ढंग के गाने बजा रहे हैं, मतलब समाज को एक जागरूक करने का, मतलब अच्छा गाना गा बस यही हम हर एक कलाकार की, ये कलाकार तो हमारा सम्मानित किया गया, लेकिन और कलाकार से हम यही संदेश देते हैं हर कलाकार को कि इस तरह का होली या और कोई तरह का गाना हो तो अश्लील छोड़ करके अगर भारतीय संस्कृति पर आ जाए तो इसी तरह सबको सम्मानित किया जाए। और आप अपने समाज को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह का कार्य आपने किया और कलाकारों को सम्मानित करने का काम किया, इस मौके पे क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को भी यही संदेश देते हैं कि अश्लील गाना ना तो सुने, ना तो सुनने दे, ना तो बजने दें तो अच्छा रहे। और देशवासियों के यही बहुत लोग जानते हैं, हम ऐसे समाज से भी डॉक्टर श्यामदेव जी हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और फेसबुक को अगर तमाम खबर को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।